कल ब्रह्मचारिणी के रूप में होगा, 9 दिन में भगवती के 9 रूप का पूजा होगा। सत्य सनातन धर्म के आधार पर विधिवत पूजन संपन्न हुआ और आज के दिन माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में सदैव 24 घंटा विराजमान रहेंगी। 9 दिन की क्या तैयारियां मंदिर में आप लोगों ने? प्रत्येक दिन प्रत्येक स्वरूप के अनुसार तैयारी होती है अपने मंदिर में। दुर्गा मंदिर प्रीत विहार में हमारे प्रधान श्री जंग बहादुर वर्मा जी, उनके तत्वाधान में बहुत अच्छा कर्मकांड चल रहे हैं, पूजा पाठ सबका विधि विधान चल रहे हैं और उनके द्वारा ही अभी शैलपुत्री का पूजन हुआ है। और इसके बाद विधिवत प्रसाद चौकी भी होती है मंदिर में प्रतिदिन, और चौकी 4 दिन चौकी भी होगा अभी, और आगे भी जो भक्त कराना चाहेगा वो करा सकते हैं। यहाँ पर पूरे 9 दिन की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई है, और देखिए अभी भी यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। आज से नवरात्र की शुरुआत है, कितना महत्व देखते हैं और क्या तैयारियाँ 9 दिन की? ये शरदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि माता की कृपा हमारे सभी परिवारों में, देश पे, सब पे बनी रहे, विश्व में शांति हो और दिन दोगुनी रात चौगुनी हम प्रगति करें और माँ का आशीर्वाद सब पे बरसता रहे हमेशा की तरह। मंदिर पे आप हमेशा आते हैं, क्या महत्व है इस मंदिर? कोशिश रहती है कि रोज दर्शन हो माता के और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। यहाँ पर धीरे धीरे अब मंदिर के अंदर जो भक्तगण हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जैसा मैं बार बार बता रहा था कि अब जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहा है लोगों की भीड़ जो है वो और जाता है यहाँ पर आती रहे। क्या नाम है आप? दुलारी। आशय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, कैसे देखते हैं? करते हैं। अच्छा, आज से पूजा शुरू हो गई नवरात्र की, कैसे देखते हैं, कितना महत्व आपकी? बहुत बढ़िया है। तो 6 महीना में एक बार त्यौहार आती है नवरात्र, बहुत खुश और बहुत आनंद मिलता है जी। पूजा पाठ से बहुत आनंद मिलती है, बहुत। देखिए तमाम यहाँ पर लोग अब धीरे धीरे मधुरी यहाँ पूजा अर्चना करके आरती करके यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन जैसा यहाँ के पंडित जी बता रहे हैं कि अगले 9 दिन तक इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग देवी के रूपों की पूजा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और जो भक्तों का उत्साह है वो इस मंदिर में देखते ही बन रहा है। बिल्कुल नमित, क्योंकि पहला दिन है और जाहिर सी बात है जैसा कि पंडित जी भी बता रहे थे, माँ के पहले स्वरूप की यानी प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है जिसका अपना एक